है, नहीं करना है। आधा घंटे के बाद कर सकते हैं, आधा घंटे के बाद कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको सभी को पांच नियम? यस सर। अब पांचों नियम समझ में आ गए तो इनको जीवन में उतारना ये मुख्य बात है, क्योंकि चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं होता, चीनी खाने से मुंह मीठा होता है, कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। अगर इन बातों को हम जीवन में अपनाएंगे तो काम चलेगा। इसलिए निवेदन करता हूँ प्यारे बच्चों, पांचों नियमों को जरूर अपना लो। अब कुछ बच्चे प्रश्न करेंगे, जी हम योग क्यों करें जी, ये तो साधु संन्यासियों का काम है जो निठल्ले पड़े रहते हैं सारा दिन, हम तो घर गृहस्थी आदमी है जी, हमें तो बहुत काम होते हैं, हम तो किसान के बेटा बेटी है, खेत में भी काम करते हैं, घर में भी काम करते हैं, हमको क्या आवश्यकता है जी? प्यारे बच्चों विचार करना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही जीवन है। सबसे पहला सुख क्या है, कौन बताएगा जी? हाँ बताओ बेटा, निरोगी का। एक बार बेटा के लिए भी ताली बजाएंगे। उद्देश्य होता है कि मैं निरोगा रहूं, क्योंकि सबसे पहला सुख है निरोगी काया। एक व्यक्ति अगर स्वस्थ है वो ठीक तरह से पढ़ाई कर सकता है, नौकरी पैसा व्यापार कर सकता है। अगर एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है ना पढ़ाई कर पाता है ना नौकरी पैसा व्यापार कर पाता है, बल्कि दूसरे के अधीन रहकर के जीवन व्यतीत करना पड़ता है, एक गुलामी का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो हमें गुलामी का जीवन नहीं जीना है, हमें स्वस्थ होकर के जीना है, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो आपने मन में ये बार बार प्रश्न उठेगा जी, ये तो साधु सन्यासी का काम है। प्यारे बच्चों विचार करना, एक साधु सन्यासी आश्रम में रह करके जड़ी बूटियां खा करके फल फ्रूट खा करके स्वस्थ हो जाएगा दोबारा से, नियमों का पालन करके, और वो मांग करके भी खा लेगा। परंतु एक गृहस्थी व्यक्ति मांग करके नहीं खा सकता, उसको 10 गालियां सुनने को मिलेंगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, एक गृहस्थी को अपना, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का, आए गए मेहमान का मान सम्मान के लिए कमाना पड़ता है, उसके लिए तो और भी स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। एक साधु सन्यासी मांग करके खा सकता है परंतु गृहस्थी नहीं खा सकता, इसलिए गृहस्थी के लिए स्वस्थ रहना और भी आवश्यक है। और हम सब के लिए मैं निवेदन करता हूँ, स्वस्थ रहने के लिए योग कैसे काम करता है। प्यारे बच्चों हमारे शरीर के अंदर जो हृदय होता है वह हृदय पंपिंग का काम करता है, शरीर के अंदर जो खून होता है शुद्ध खून उसको शुद्ध करने के लिए फेफड़ों के अंदर भेजता है। हमारे फेफड़े अनार की तरह होते हैं, जिस तरह अनार के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं उसी तरह फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब हम व्यायाम करते प्राणायाम करते, प्राणायाम के माध्यम से फेफड़ों के अंदर पूरी ऑक्सीजन जाती है, वो ऑक्सीजन जाने के कारण जो खून शुद्ध होने के लिए आया है वो शुद्ध हो जाता है, शुद्ध होने के बाद हृदय में जाता है, हृदय सारे शरीर में उसका संचालन करता है। परंतु यदि हम व्यायाम प्राणायाम नहीं करेंगे हमारे फेफड़ों तक पूरी वायु नहीं पहुंचेगी, पूरी वायु न जाने से हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं और जो खून शुद्ध होने के लिए आता है वो शुद्ध नहीं हो पाता, और शुद्ध न होने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण शरीर बनता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ प्राणायाम करें, योग करें, उसी और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि सोच लेंगे जी हरिद्वार नैनीताल ऋषिकेश जाकर के स्वास्थ्य ठीक कर लेंगे, गंगा में गोता लगा करके ठीक कर लेंगे, ऐसा करने मात्र से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि वायु प्रदूषण हो चुका है, जल प्रदूषण हो चुका है, भोजन प्रदूषण हो चुका है, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इस वातावरण से टक्कर लेने के लिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी आवश्यक है। जब तक आपकी रोग प्रतिरोधक सही नहीं होगी आप चाहे कहीं भी बाहर जाकर के चले जाएं उस बचने वाला नहीं है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें योग करना ही चाहिए और कोई रास्ता नहीं है। तो प्यारे बच्चों अब इस बात को क्रिया रूप में लेकर के चलते हैं। सबसे पहले से बच्चे अपने शूज निकाल करके अपने बराबर में रख लेंगे बिना आवाज किए,